यार भाई धूल मिट्टी के मौसम में ना सफेद टी शर्ट खाली एक ही दिन चलती है बस, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते वो सफेद टी शर्ट ज्यादा काली हो जाती है भाई। आप लोगों को याद है 3-4 दिन पहले शायद सबसे साथ मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, उधर उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यार 4-5 दिन पहले उन्होंने कोई हैवी चीज उठाई है ना तो उनकी कमर में चुप पड़ गई है। कमर में कैच या चुप कह लो या कैच कह लो, ठीक है, वो आ गया। तो उन्होंने कहा यार कोई बंदा है जो सही मतलब के मालिश वगैरह करे या जो हड्डी जोड़ जो होते हैं बंदे वो है तो बता फिर मुझे। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना काफ़ी 2-3 साल पहले की बात है, उस वक्त मैं रिजवान मेरा दोस्त वो मुझे एक मसाज करने वाले के पास लेकर गया था। मेरी टांग का मसला था काफ़ी, क्योंकि जो बाइक था ना बाइक पूरा मेरी एक टांग पे गिर गया था, ठीक है, उस वजह से फिर टांग में बड़ा दर्द होता था शदीद किस्म का। तो रिजवान लेकर गया था एक मसाज करने वाले के पास तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो अभी सर शायद ने जो चुक उठाई हुई है कि कमर में चुक आई हुई है, ठीक है, तो उनको भी लेकर उधर ही जा रहा हूँ। यार अभी पहुंच गए सरशायद की जगह पर, ठीक है, जहाँ पे सरशायद को उससे पिक करना है, जहाँ पे जहाँ से सरशायद को पिक करना है उनको फ़ोन करो, वो फ़ोन बार बार काट रहे हैं, मतलब कि वो आ रहे होंगे। तो अभी बस उनका इंतज़ार करते हैं, फिर उनको लेकर चलते उनसे पूछते उनकी चुक का क्या हाल है। वो जल्दी आयो, वो जल्दी आयो, जल्दी यार वो मास्क रह गया था। साहब के साथ बैठे भाई नाश्ता कर रहे सुबह का, फिर चलते मसाज वाले के पास। यार शायद साहब को हम ले आए, ठीक है, अभी हम मरी रोड जा रहे हैं मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाने के लिए, क्योंकि 4-5 महीने हो गए ट्यूनिंग नहीं कराई और मोटरसाइकिल अब ट्यूनिंग मांग रहे भाई। शायद साहब भी वेले ही हैं तो शायद साहब अपने साथ ही रखा है। कोरोना ने वेला कर दिया हमें, कोरोना ने वेला कर दिए इन्हें, तो अभी हमारा और कुछ काम नहीं है, हम मसाज वाले ढूंढ रहे होते मसाज करवाते हैं तो कभी यार ऐसे फर्क पड़ा मसाज कराने से, कभी अपनी ट्यूनिंग करवाते हैं कभी बाइक की ट्यूनिंग कराते हैं। यहाँ से ट्यूनिंग शुरू करवाते हो और फिर देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं। सोचो शायद ब्रेकें भी आज डलवा लूँ, लेकिन देखेंगे अगर टाइम हुआ या मूड हुआ तो, क्योंकि गर्मी बहुत है। ट्यूनिंग वगैरह करवा के निकले थे बाइक की, ठीक है, तो शायद साहब ने अपने बाइक का थोड़ा सामान लेना था, मीटर वगैरह और बैटरी वगैरह पता करनी थी, तो उन्हें भेजा जाके सामान पता करके आए। मैं जब तक बाहर उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि शॉप में ज़्यादा रश नहीं करनी भाई, कोरोना बड़ा ख़तरनाक है। यार सामान शामान लेकर अभी आए, बैटरी ले ली मोटरसाइकिल की मैंने अपने, और शायद साहब ने सामान शामान जो पूछना था वो पूछ लिया अपने मोटरसाइकिल का। इंतज़ार में सोडा पीने का दिल हुआ है शायद साहब का भी मेरा भी, तो हमने कहा चलो सोडा पीते, थोड़ा वगैरह पीते। यार गर्मी बहुत है वैसे भाई, देखे तो शायद साहब किसी और से बातें कर रहे हैं हमें छोड़ के, शायद साहब को उनकी जगह पर छोड़ दिए, ठीक है। अभी बस जाना था सा काम कराने के लिए, बैटरी लिए, बैटरी के कि बैटरी लगवाते मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग वगैरह तो करवा बैठा हूँ, तो बैटरी मैंने बाद में ली थी, मुझे 6 पैसों में मिल गई बैटरी, तो अभी चलना है बैटरी लगवानी है और उससे पहले के असद के पास जाना है। यार भाई मूड चेंज हो गया, ठीक है, असद के पास नहीं जा रहे अभी, ना ही बैटरी डलवा रहे, बैटरी का काम भी और असद के पास भी कल करेंगे यार अब, क्योंकि सुबह 9 बजे से निकला वो भी तकरीबन 4 बज गए अभी, अभी सीधा बस घर जा रहे हैं यार, घर जाके शावर वगैरह लेकर रेस्ट वेस्ट करेंगे आराम से। ओहो तुसी आना इत्थे ही हो ना,
भाई अभी 6 बज गए और 7 भाई के पास बैठे हुए थे 4 बजे से, तो बस गप्पे शप्पे मारी हैं, अभी वापस घर की तरफ जा रहे हैं यार बस। तो आज के लिए बस इतना ही यार, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखना।